आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रोज को कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट करना है। आइए शुरू करते हैं। मेरे पास ये पहले से ही बनी हुई एक फाइल है, इसमें जैन से दिसंबर तक का फूड ग्रेन का कंजप्शन दिखाया हुआ है। पहले देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम इसका पेज ब्रेक प्रव्यू देखते हैं तो ये देखिए आप, इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो डाटा है वो पेज से बाहर जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको वर्टिकली सेट कर देते हैं, यानी रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये एक ही पेज में फिगर्स सेट हो सकती हैं। इसके लिए हमें एक्सेल ट्रांसपोज नाम की फैसिलिटी देता है। आइए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करें जो डाटा हमने ट्रांसपोज करना है, कॉपी। अब मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट के नीचे ये जो ऑप्शंस आ रही हैं इनमें एक ट्रांसपोज की ऑप्शन आती है, इस पर क्लिक कीजिए। डाटा आपका ट्रांसपोज होके रोज़ जो हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई हैं और सारा डाटा एज इट आ गया है। इसके बिना क्या होता है कि कई बार हमें ये ट्रांसपोज की ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देती है, तो इसके लिए क्या करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं, ट्रांसपोज, ओके। इस तरह बड़ी आसानी से आपका जो डाटा है वो रोज से कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।